of class 8. In chapter 7, cubes and cube roots, we will learn how to find cube root by prime factorization method. In earlier video, we have learned about cubes, and here you will find how to find the cube root of number by prime factorization method. Okay, so first we have to know what is cube root. Cube root क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे. तो क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब. इससे पहले हमने चैप्टर 6 में लर्न किया था स्क्वायर रूट. अच्छा, पहले स्क्वायर रूट आप रिकॉल करिए कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते थे. सपोज 4 स्क्वायर इज 16, ओके, एंड इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. इट मीन्स स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर. सिमिलरली क्यूब रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब. एंड द सिंबल ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट इज दिस, राइट? दिस सिंबल डिनोट्स क्यूब रूट. ओके, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर. अब जो नंबर जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना होगा, इस सिंबल के यहाँ पे अंदर हम लिखेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल, टू क्यूब 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. एज यू कैन सी द इनवर्स ऑपरेशन, क्यूब रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब. 8 किसका क्यूब है, राइट? 8 किसका क्यूब है, इसी को हम क्यूब रूट कहते हैं. 8 इज क्यूब रूट ऑफ 2. नाउ 5 क्यूब 125, एंड क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5. 6 क्यूब 216, और क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6. नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेट्स टेक वन एग्जांपल, 216. अब हमें 216 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. 216 डिविजिबल बाय 2, 108. नाउ 2 5s are 10, 2 4s are, देन अगेन 2 27, देन 3 9s are, देन 3 these are 9, and then 3 1 is 3. So the prime factorization, prime factors of 216, 2 multiplied by 2 3 times, and 3 multiplied by 3 3 times. Okay, ab hame 216 ka cube root find karna hai, to hum 216 को सिंबल के अंदर लिखेंगे. और यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 टाइम्स है, तो हम इसे 2 क्यूब भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3, ये भी लिख सकते हैं. अब हमने 216 को क्यूब रूट के सिंबल में किया है, इसका मतलब हमें इसको भी सिंबल के अंदर करना पड़ेगा, राइट? और जब हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो ये जो 3 है और ये यहाँ से हट जाएगा, और हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. इट मीन्स 216 इज क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये हायर क्लासेस में आप लर्न करेंगे कि यहाँ से 3 क्यों हटा दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने क्यूब रूट का सिंबल है, इसको हम 216 1 बाय 3 भी लिखते हैं, या हायर क्लासेस में लर्न करेंगे. इसलिए अगर हम 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब होल पावर 1 बाय 3 करें, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा,
पावर 1/3 है, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 × 3। इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली इसको यूज करते हैं कि जब हम क्यूब रूट इसका निकालते हैं, सिंबल को हटाते हैं, तो हम डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि क्यूब रूट का सिंबल आपने लगाया और उसके अंदर जो क्यूब दिए हुए हैं, ठीक है, क्यूब, वो क्यूब आप हटा दीजिए और रिमेनिंग जो फैक्टर्स बचेंगे, प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख दीजिए। प्रोडक्ट इज क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। ओके, स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। 74,088, हमें 74,088 का क्यूब रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 एंड 2 × 4 = 8 एंड 2 × 4 = 8। देन दिस नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 एंड देन 2 × 2 = 4। देन अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 एंड 1। एंड ऑब्जर्व दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24 एंड 3 × 7 = 21। दिस नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 3, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6 एंड 3 × 9 = 27। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 343। यू कैन सी हियर दिस इज क्यूब ऑफ 7, इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 7। 49, देन 7 × 7 = 49 एंड 7 is 7। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 74,088 इज 2 × 2, 3 times एंड 3 × 3, 3 times और 7 × 7, 3 times। ओके, सो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2³ × 3³ और × 7³। अब ये 2 × 3 × 7, ये सबकी जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, एक्सपोनेंट और पार्ट्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7 होल पावर 3। नाउ द क्यूब रूट ऑफ 74,088 इज इक्वल टू 2 × 3 × 7 होल पावर 3, राइट। नाउ अब क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं।